बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयदास किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए छोटी वाली समोसी विद चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चटनी तैयार कर ली है। चटनी तैयार करने के लिए मैंने 3 आलू को अच्छी तरीके से उबाल लिया है। फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद उसमें 2 चम्मच खुटी मिर्च शामिल करी, साबित ज़ीरा शामिल किया, आलू कटा हुआ बारीक शामिल किया, हसब ज़रूरत नमक शामिल किया, थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया, 2 कप पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब आप लोग देख सकते हैं चटनी जो है वो अच्छी तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गई है। आप लोग देख सकते हैं चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इमली लेके उसका पानी शामिल किया है। अब आप लोग देख सकते हैं चटनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी भी हो गई है और खट्टी मीठी चटनी जो है वो मैंने रेडी कर दी है। अब इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। और समोसा तैयार करने के लिए मैंने आलू को 2 आलू लिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं 2 आलू ले लिए हैं, उसको अच्छी तरीके से धो के उबाल लिया है, उसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है समोसे के लिए। अब समोसे में हमने हद से ज़रूरत नमक शामिल किया है, 2 चम्मच कुटी मिर्च शामिल की है, इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। और अब पट्टियाँ ले ली हैं, आपको किसी भी पट्टी जो है वो आपको कभी भी किसी बेकरी से या किसी मार्ट से मिल सकती है। बाकी अब आलू ले लेके मैंने पट्टी में फिल कर लिया है। अब एक पट्टी ले लेंगे, उसमें आलू लगाएंगे, उसको फोल्ड करके ऊपर से आटा लगाएंगे। अब जल्दी जल्दी से सारे समोसे ऐसे ही फिल कर लेती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं सारे समोसे मैंने अच्छी तरीके से फिल कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करने की बारी आ गई है। अब आप लोग देख सकते हैं समोसों को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं समोसा जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। जो चटनी बनाई थी मैंने उसको प्याले में निकाल लिया है। अब समोसे के ऊपर चटनी डाल के अच्छी तरीके से आप खा सकते हैं। ये वाली रेसिपी समोसे और चटनी वाली बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आप अपने घर में बच्चों को बना के खिलाएं। जो मैंने चटनी तैयार की थी वो समोसे के ऊपर डाल के आप लोग खाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेके, जब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।